साल की फाइल जो ओपन एफिडेविट है रेजिडेंशियल 53 रेट उसका चल रहा है 43 से 43.5 लाख रुपए। सी ब्लॉक की फाइल का जो रेट है वो 53 चल रहा है 47 से 47.5 लाख रुपए। पोजीशन फ्लोर्स के वाले से ए और बी के अंदर तो मार्केट बहुत बेहतर है, आइडियल मार्केट है एज ए रेजिडेंशियल पर्पज के हवाले से। आपको जी सामने के व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से एक दफा फिर अपनी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे डीएचए में, डीएचए बहावलपुर के हवाले से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से डीएचए बहावलपुर में। फाइल्स के हवाले से बात करते हैं तो गुज़श्ता रोज फाइल में थोड़ी सी तेजी देखने में आई। एक कनाल की फाइल जो ओपन एफिडेविट है रेजिडेंशियल 53 रेट उसका चल रहा है 43 से 43.5 लाख रुपए। जी ब्लॉक की फाइल का जो रेट है वो तकरीबन चल रहा है 47 से 47.5 लाख रुपए। एलोकेशन जनरल कैटेगरी का जो रेट चल रहा है तकरीबन 41.5 से 42 लाख रुपए। थोड़ी सी कमर्शियल में तेजी देखी गई। जो जी ब्लॉक का मेन बुलेवार्ड 4 मरला ओपन एफिडेविट है जो करंटली 95-96 पे रेट चल रहा था उसका थोड़ा सा इजाफा हुआ, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मार्केट में उसकी डिमांड की जा रही है। इसी तरह जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल थी उसका उसकी जो मार्केट तकरीबन स्टेबल है, कोई खासा तेजी देखने में नहीं है, बल्कि उसका बायर बहुत यानी कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो ऑन था वो तकरीबन जो किसी वक्त में डिमांड किया जाता था 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 5 मरला की फाइल पे कम होकर तकरीबन आप कह रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए पे आ गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की फाइल के हवाले से। जो पुरानी थी 2019 वाली वो तकरीबन आप कह सकते हैं उसके ऊपर ऑन डिमांड हो रहा कोई 8 से 9 लाख रुपए, उसकी तकरीबन सारी इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं 16 लाख रुपए प्लस 9 लाख रुपए, ये अमाउंट बन जाती है तकरीबन 24 से 25 लाख रुपए ट्रांसफर करवा के। सबसे ज्यादा जो तेजी देखने में आई वो इसकी 10 मरला की ओपन एफिडेविट फाइल है जिसका रेट वेरी कर रहा है तकरीबन कर रहा था तकरीबन 25 से 25.5 लाख रुपए। करंट पोजीशन ये है कि 26 से 26.5 लाख रुपए में ट्रेड की जा रही है। रेट वक्तन फोक्तन कभी पेशी होती रहती है, कभी रेट 25 पे आ जाता है तो कभी एकदम बढ़ के 27 लाख रुपए भी चले जाता है, 28 किलो डिमांड करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इसकी 10 मरला की फाइल में देखने में आई। अब हम बात करते हैं बहावलपुर में प्लॉट्स के हवाले से। प्लॉट्स की मार्केट दिन ब दिन थोड़ी सी डाउन आ रही है। जो ब्लॉक्स पीक पे थे जिनके अंदर पे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे उसमें खासा अगर ट्रेडिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ एच और जे के हवाले से। जो आप कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग इसमें है, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है इन ब्लॉक्स की। करंटली जो आपको एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे 55 से 60 की ब्रैकेट से एक अच्छा प्लॉट लाइक कॉर्नर फेसिंग पार्क आपको मार्केट से मिल जाता है। जी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जैसे ही डेवलपमेंट चार्जेस का इनकार हुआ 27 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए एक कनाल के प्लॉट के ऊपर तो थोड़ी सी मार्केट डाउन रही। कनाल का प्लॉट 46 से 47 लाख रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है, मैक्सिमम 50 से 55 का रेट यहाँ पे वेरी कर रहा है। इसी तरह ही बात करें पोजीशन प्लॉट्स के वाले से ए और बी के अंदर तो मार्केट बहुत बेहतर है, आइडियल मार्केट है एज ए रेजिडेंशियल पर्पज के हवाले से। आपको प्लॉट 55 से 57 की ब्रैकेट में एक अच्छा प्लॉट पोजीशन प्लॉट जहाँ पे आप अपनी मन मर्जी का घर बना सकते हैं मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। इस पर डेवलपमेंट चार्जेस 22 लाख रुपए हैं और तकरीबन ये आपको प्लॉट की कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 80 लाख रुपए के राउंड पर। एक अच्छा प्लॉट आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रह सकते हैं, जहाँ पे तमाम जरूरियात जिंदगी अवेलेबल है। ए और बी के अंदर पोजीशन है और काफी हद तक कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे मिजान बैंक भी आ गया, कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी बेहतर है। यहाँ पे बात करें एन ब्लॉक के हवाले से, जो सबसे अच्छा ब्लॉक और सबसे हॉट ब्लॉक कहा जाता है डीएचए बहावलपुर का, एक अच्छा प्लॉट 55 से 60 की ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर आप बात करें कॉर्नर या फेसिंग पार्क की तो लोग 65 लाख रुपए भी यहाँ पे अभी भी डिमांड करते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस की 3 किस्तें जा चुकी हुई हैं और इसके अंदर जो है आपको इजीली ट्रांसफर भी अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह ही 10 मरला की बात करें, सी और डी के अंदर किसी वक्त में रेट था 40 से 45 लाख रुपए का। सी के अंदर पोजेशन है, घर बनना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन प्राइसें थोड़ी सी डाउन आ गई हैं। यहाँ पे आपको 30 से 32 लाख रुपए में भी मिनिमम प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। डी ब्लॉक के अंदर भी सेम रेट है, 30 से 32 लाख रुपए में मिनिमम प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अच्छा प्लॉट 35 से 36 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाता है। ई ब्लॉक की बात करते हैं, जो सबसे नीचे का ब्लॉक है और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं
और तकरीबन आप कह सकते हैं 17 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद ई ब्लॉक के अंदर 25 से 26 लाख रुपए के अंदर भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 30 से 32 लाख रुपए तक रेट इसका जाता है। डेवलपर डेवलपमेंट कोई खास अभी रेडी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी डेवलपमेंट के साथ साथ बेसिकली डीएचए बहावलपुर की जो डेवलपमेंट की पेस है वो काफी तेज है, काफी अच्छी है। डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से करते हैं, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी इनकी स्टेबल रहती है और कस्टमर भी आते जाते रहते हैं। तो व्यूज ये था एक ओवरऑल डीएचए बहावलपुर की मार्केट का जायजा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा ब्लॉक वाइज रेट्स के साथ। उसके लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह।